गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलका। आज मैं 6th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट लेने जा रही हूँ। आज हम लोग से पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में दो चीजें होती है, एक होती है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में आता है आ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ आ अह। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है दो वर्ड को आ और अह। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। आगे क ख ग घ ञ च छ झ झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। अब अभी वर्णमाला में देखिए कि मैंने एक तो ऐसे यहाँ पे सतुर कैसे किया लाइन नंबर अलग से अ से लेके औ तक, ये होता है हमारे स्वर अ टू औ इस स्वर। अब यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है अब और अह, ये होता है हमारा अनुस्वर अयोभ। अयोभ में होता है अनुस्वर और विसर्ग। अब यश की अनुस्वर जब हम बोलते हैं अ से रिलेटेड हम कोई भी वर्ड अगर बोलेंगे जैसे कि अंगूर, तो हमारा जो अंग का साउंड आता है वो हमारे यहाँ नाक की यहाँ से आता है अंगूर। एज फॉर एग्जाम्पल अंगूर कंघा, तो जब आप बोलोगे तो आपको फील हुआ कि आपके साउंड यहाँ से आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुस्वर। दूसरा जो हमारे यहाँ पर है स्वर में अह, ये होता है हमारा विसर्ग, विसर्ग अह। तो जब हम ये वाली वर्ड यूज करते हैं या मात्रा यूज करते हैं तो इसका साउंड हमें लास्ट में आता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल प्रातः अह, रहता है नमः। अब यहाँ पर देखिए क टू श, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया श त्र य श्र, ये हमारे हैं संयुक्त अक्षर यानी कि संयुक्त लेटर यानी कि संयुक्त अक्षर। जैसे कि संयुक्त अक्षर का मतलब ये दो दो अक्षर से बने हुए वर्ण है, श क प्लस श इज श, त्र त प्लस र इज त्र, य ज प्लस न इज ज्ञान, श्र श प्लस र इज श्र। तो ये वर्णमाला में हमारे चार लेटर्स होते हैं, ये होते हैं जॉइंट लेटर्स यानी कि संयुक्त अक्षर। और अ और अह होते हैं हमारे अयोभ, इसमें अनुस्वर इज अ और विसर्ग इज अह। तो हमारी वर्णमाला की दो चीजें होती है, अ टू अह इज स्वर, देन क टू श्र इज व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही एक वर्णमाला बनती है। थैंक यू।